शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना के संकट की घड़ी में रक्त की जरूरत महसूस करते हुए प्रभावती ओझा स्मृति संस्थान के अध्यक्ष रामकृष्ण ओझा द्वारा आयोजित तथा विप्र फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर में कोरोना का संक्रमण दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। सरकार ने संक्रमण ना बढ़े इसीलिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस लॉकडाउन के दौरान शहर के स्वर्गीय प्रभावती ओझा स्मृति संस्थान की ओर से जरूरतमंदों को मदद की गई, भोजन दान किया गया, आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया गया। अब लॉकडाउन खत्म होकर अनलॉक शुरू हो गया है, मगर लॉकडाउन के 2 महीनों में कोरोना के डर से और लॉकडाउन के चलते शहर में कहीं भी रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं हुआ, ना ही किसी ने खुद होकर रक्तदान किया, जिससे शहर के ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी हो रही थी और जिस पेशेंट को ब्लड की आवश्यकता थी उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देख संस्था के अध्यक्ष रामकृष्ण ओझा इन्होंने एक पहल करते हुए साथ ही विप्र फाउंडेशन, नागपुर शिक्षण मंडल, विदर्भ टैक्स पेयर एसोसिएशन, माहेश्वरी पंचायत सीताबर्डी, श्री लोहाना महापरिषद और अमूल के सहयोग से बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त संकलन का काम जीवन ज्योति ब्लड बैंक ने किया। इस शिविर को शहर पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय ने भेंट दी। शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाता उपस्थित हुए थे। ये कोरोना इस देश की इस सदी की बड़ी बीमारी है, इसमें सारा देश का सारा विश्व जूझ रहा है। नागपुर के अंदर में हम समाज में काम करते हुए हमारे माताजी के नाम की संस्था है प्रभाताई ओझा स्मृति सेवा संस्था, उसके माध्यम से शुरुआत से ही 24-25 मार्च से हम लोग इस शहर में भोजन दान का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत गरीब लोग हैं, गरजू लोग हैं, कुछ कर्मचारी लोग हैं जो दिन भर ड्यूटी करते हैं उनके लिए हैं, बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड हैं, शेल्टरलेस बच्चों के लिए सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, डेटॉल सोप हैं, पुलिस अधिकारियों के लिए मास्क, डेटॉल सोप, इसी तरह हमने सुपर स्पेशलिटी में टुकड़ोजी कैंसर हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में, मेडिकल जनरल मेडिकल कॉलेज में और इतर जगह काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने ये देखा कि नागपुर में खून की कमी हो रही है और कुछ लोगों से पता चला और हमने जानकारी ली। इसी कड़ी में हम लोगों ने ये डोनेशन कैंप हमारे माताजी के नाम से रखा है, क्योंकि कोरोना के इस लड़ाई में हम सब एक योद्धा की तरह काम करेंगे तभी इस कोरोना की लड़ाई से हम लड़ पाएंगे, यही हमारा उद्देश्य था। जिसके अंतर्गत हमारे साथ समाज के काफ़ी लोग जुड़े, विप्र फाउंडेशन जुड़ा, विदर्भ टैक्स पेयर एसोसिएशन जुड़ी, तेरापंथी परिषद जैन समाज जुड़ा, लोहाना महाजन गुजराती समाज जुड़ा, या जहां हम लोग एक कार्यक्रम ले रहे हैं महेश्वरी पंचायत जिन्होंने हमें हॉल प्रोवाइड किया है वो हमसे जुड़ी, ऐसे कई संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस महामारी से लड़ने के लिए, रक्त की कमी को दूर करने के लिए हमें सहयोग दिया। और हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हमारा थोड़ा बहुत हाथ बार जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए खून से हम पूरा कर पाए, यही इच्छा का शक्ति रखते हुए हमने कार्यक्रम आज दिया है। देखिए, चीफ गेस्ट का बात ऐसी है कि ये कार्यक्रम इसलिए इस साधारण रूप से लिया गया है क्योंकि हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, हमें कोई उद्घाटन और सब कार्यक्रम करना नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम की उपस्थिति के लिए हमारे शहर के महानिदेशक पुलिस कमिश्नर सम्माननीय उपाध्याय साहब आने वाले हैं, उनको हमने निमंत्रित किया है। कॉरपोरेशन के हमारे सम्माननीय कमिश्नर तुकाराम जी मुंडे जी को हमने निवेदन किया है, डिविजनल कमिश्नर संजय कपूर साहब उनको भी हमने निवेदन किया है, उन्होंने भी हामी भरी आने के लिए, और उसी तरह जिला कलेक्टर जो हमारे जिलाधिकारी है जिले के रविंद्र ठाकरे जी, उन्होंने भी आने की हामी भरी है, वो किसी भी क्षण आएंगे, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया था कि इस कार्यक्रम यहाँ कोई ना करें हम लोग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सब पालना है और इस बीमारी से हमें बच के भी रहना है, सोशल काम करना है, बीमारी से बच के रहना है, अपने को सावध रहना है, तो हमने कार्यक्रम में करते एक उनकी भेंट के रूप में यहाँ बुलाया है उनको, ताकि हमारे जो युवा साथी हैं, जो समाज सेवी हैं, जो यहाँ मदद कर रहे हैं हमें, दिन रात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक मनोबल बढ़े कि सरकार हमारे साथ है। इसी प्रायोजन के साथ हमने उनको इसी तरह का निवेदन दिया है
आपने देखा होगा कि हमारे राज्य के मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर सम्मान्य बाला साहब थोरात ने कल शुभेच्छा भेजी। उन्होंने नागपुर शहर के लोगों को अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मिलकर यहाँ पर रक्तदान करना चाहिए। मेरे ख्याल से भी 55-60 के आसपास 2 घंटे के अंदर हमारा आंकड़ा पहुँचा है, तो आगे हमको लगता है कि लोग काफी उत्साहित है और इस कोरोना से बचते हुए यहाँ आकर रक्तदान करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।